हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ युगल विजय भैसारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 9 में, और आज हम सीखने वाले हैं बेल कोलेमैन साइकिल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पहले क्या देखा था। हमने पढ़ा था कि कारनोट साइकिल के कुछ प्रॉब्लम्स, और आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हम बेल कोलेमैन साइकिल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। ये रही आपकी बेल कोलेमैन साइकिल की एक फ्लो डायग्राम, जिसमें कि चार कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कंप्रेसर, कूलर, एक्सपांडर और रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर देखिए, रेफ्रिजरेटर एज अ कंपोनेंट आपके इसमें लगा हुआ होता है, ठीक है। अब नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें चार प्रोसेस होने वाली है। कौन सी? कंप्रेसर क्या करेगा? कंप्रेशन करेगा। कूलर क्या करेगा? कूलिंग करेगा, मतलब ठंडा करेगा। एक्सपांडर मतलब क्या करेगा? वो एक्सपांड करेगा किसी भी चीज़ को, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? उसको हीट एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चार कंपोनेंट इस प्रकार से यूज़ करेंगे। अब ये कैसे यूज़ होता है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो ये रहा आपका PV और TS डायग्राम ऑफ बेल कोलेमैन साइकिल का, ठीक है। चलो वन बाय वन सभी को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है किसी भी साइकिल का, वो होता है कंप्रेसर। इस साइकिल में आप लोग एयर एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे? एयर को, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम पॉइंट वन, एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेंगे हम लोग इसमें पास करेंगे, किसमें? कंप्रेसर में। कंप्रेसर क्या करेगा? उस एयर को एकदम कंप्रेस करेगा, एकदम दबा देगा, ठीक है। तो उसको दबा देगा तो उससे क्या होगा? उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और उसका टेम्परेचर भी है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो, मैंने इसको इस प्रोसेस PVTS डायग्राम में शो किया है 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसका प्रेशर जो है वो बढ़ गया है, और इसका टेम्परेचर जो है वो भी क्या हो गया है? बढ़ गया है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है कंप्रेसर की, ये होती है कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 नंबर पॉइंट पे यहाँ पर क्या हो गया, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में वो एयर क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला एयर जो है वो हम कहाँ पास ऑन करेंगे? कूलर में। कूलर में क्या होता है कि वाटर के लिए छोटी छोटी ऐसी ट्यूबलेट्स बनी हुई होती है, वहाँ पे क्या होगा, हम वाटर को क्या करेंगे? ठंडे पानी को क्या करेंगे? सर्कुलेट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ रही है? एयर आ रही है, यहाँ से एयर आ रही है, और यहाँ से क्या जा रहा है? ठंडा पानी जा रहा है। तो उसके वजह से क्या होगा, जो एयर है आपका उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? कम होगा। उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो और ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस पे होने वाली है? ये प्रोसेस होती है आपकी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देखिए यहाँ पे मैंने शो किया है 2 से लेकर 3 तक के, तो ये प्रोसेस कौन सी है आपकी? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहाँ पर भी आप TS डायग्राम पे देख सकते हो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और यहाँ से क्या हो रही है, इसकी हीट रिजेक्ट हो रही है। ये क्या कर रहा है? अपना हीट क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है अपना वाला। किसके थ्रू कर रहा है? बिकॉज ऑफ वाटर। बिकॉज ऑफ क्या हो रहा है? वाटर। यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है। कितना रिजेक्ट होगा? तो इतना ये लोग डिसाइड किया, इतना डिसाइड किया गया है कि पॉइंट नंबर 3, मतलब ये पॉइंट जो है आपका, यहाँ पर आपको जो एयर मिलने वाली है, यहाँ पर आपको जो एयर मिलने वाली है उसका टेम्परेचर कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली कितना? आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जितना। मतलब जो हमने 1 पॉइंट पर डिसाइड किया था कि मान लो अगर आपका 1 पॉइंट पर आपका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, मान लो आपका टेम्परेचर है एयर का कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, तो 3 पॉइंट पे भी वो कितना मिलेगा? 37 डिग्री सेल्सियस ही मिलना चाहिए, ठीक है। ये बेल कोलेमैन साइकिल में डिसाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो तीसरी प्रोसेस होती है वो होती है एक्सपांशन प्रोसेस। तो आपका लो टेम्परेचर लेकिन हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लेकिन हाई प्रेशर वाला जो एयर है वो कहाँ जाएगा? एक्सपांडर में जाएगा। एक्सपांडर में फिर से रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, और उसका
टेम्परेचर जो है और भी ज़्यादा कम होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। 3 to 4 में क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम हो गया। देखिए यहाँ पे पीवी और टीएस डायग्राम में है कि नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर उसका फिर से कम हो गया। ओके अब ये एक्सपांडर होता क्या है, एक्सपांडर मतलब क्या होता है, एक टर्बाइन टाइप बोल सकते हो आप लोग, जहाँ पे क्या होगा वो एयर क्या होगी पास होते जाएंगी। अब वो पास होते जा रही है, पास होते जा रही है, तो उसका जैसे क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है और क्या होता है कम होते जा रहा है। तो आप उसको जितना बड़ा एक्सपांशन ट्यूब लगाओगे उतना वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में वो जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाली जो एयर है आपकी, लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाली जो एयर है आपकी, उसको हम कहाँ भेजेंगे, रेफ्रिजरेटर में भेजेंगे। और रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, उसमें उसको जो भी हीट एक्सचेंज करनी है, जो भी हीट को एक्सचेंज करना है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे, कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को रिमूव करेगा और उसको वापस से कहाँ पे भेजेगा, कॉम्प्रेसर में भेजेगा। और उस एयर को क्या करेगा, वापस से कहाँ भेजेगा, कॉम्प्रेसर में। देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे दिखाया है और टीएस डायग्राम पे भी मैंने उसको शो किया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो गई अपनी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस फॉर द रेफ्रिजरेटर। अब यहाँ पर दो प्रकार की प्रोसेस हो सकती है, एक होती है ओपन साइकिल प्रोसेस और एक हो सकती है क्लोज साइकिल प्रोसेस, ठीक है। एक ओपन साइकिल प्रोसेस हो सकती है और एक हो सकती है क्लोज साइकिल प्रोसेस। तो ओपन साइकिल प्रोसेस में क्या होगा, एक डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ से जो है डायरेक्टली एक्सपांडर से वो रेफ्रिजरेटर में पास ऑन होगा और रेफ्रिजरेटर से डायरेक्ट कॉम्प्रेसर में। लेकिन क्लोज साइकिल प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ब्राइन वाटर को जो है सर्कुलेट करेंगे, जिसके वजह से एक्सपांडर ट्यूब में कोई भी एक्स्ट्रा का लोड नहीं बढ़ता है, ठीक है। इसके वजह से एक्स्ट्रा का लोड नहीं बढ़ता है, वरना क्या होता था कि पुराने ज़माने में एक्सपांडर ओपन साइकिल यूज़ किया जाता था, तो एक्सपांडर में यहाँ पे क्या होता था कि वो एकदम से फ्रीज हो जाता था, आपका जो एयर है वो इतना ठंडा हो जाता था कि वो पूरा बर्फ़ बन जाता था, और इतना बर्फ़ बनने के बाद फिर वो रेफ्रिजरेटर में जा सकता था क्या, नहीं जा सकता था। इसीलिए उसको क्लोज साइकिल करने के लिए क्या किया, ब्राइन वाटर भी वहाँ से सर्कुलेट करते गए, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बहुत कॉन्स्टेंट रहते गया और कॉन्स्टेंट प्रेशर पर उसकी हीट एब्जॉर्ब होती गई, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आपकी बेल कोलमैन साइकिल है। यहाँ पर प्रोसेस 2 to 3 मतलब कूलर में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, और प्रोसेस 1 to 4 में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 to 3 में क्या होगा, यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगा और 1 to 4 में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर ये गलत दिया है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वेल कॉलमैन साइकिल के डेरिवेशन को, वेल कॉलमैन साइकिल के डेरिवेशन को, ठीक है। ये रही आपकी वेल कॉलमैन साइकिल। मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट पॉइंट 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 पे मेरे कुछ टेम्परेचर दिए रहेंगे, उसका मास मैंने ले लिया 1 kg। अब मैं क्या बोलता हूँ, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग पर kg ऑफ एयर, हीट कितना एब्जॉर्ब होगा, तो हीट कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, 1 और 4 पॉइंट पे, तो कितना होगा, MCP T1 माइनस T4, टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं ना हम लोग, MCP T1 माइनस T4, लेकिन मास कितना है अपना 1 kg, तो उसको लिखने की ज़रूरत है क्या, उसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे CP T1 माइनस T4। अब हीट रिजेक्टेड ड्यू टू द सिस्टम, तो हीट रिजेक्शन कितना होगा, कहाँ पे हो रहा है हीट रिजेक्शन, 2 और 3 में, तो हीट रिजेक्शन लिखेंगे MCP T2 माइनस T3, T2 माइनस T3। सिंपल सी चीज़ है, अगर हीट आपको निकालना है तो मास इंटू CP कर दो और टेम्परेचर का डिफरेंस ले लो, हायर माइनस लोअर का टेम्परेचर का डिफरेंस ले लो, T2 माइनस T3, समझ में आ गया। तो QA आ गया, QR मिल गया। अब आपको बोला है वर्क निकालो, तो कितना निकालेंगे, नेटवर्क डन क्या होगा, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, तो दोनों को भी माइनस कर दो आप लोग, तो ये हो गया दोनों का माइनस, ठीक है। एज अ कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांशन प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक, सो नो हीट ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगी क्या, 3, 4 में और 1, 2 में हीट ट्रांसफ़र होगी क्या, नहीं होगी, है कि नहीं। अब आप लोग मुझे बताओ एक बात कि
यहाँ पर वन और फोर, ये वन और फोर कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि पी वन और पी फोर मेरा सेम रहेगा, वैसे ही टू और थ्री ये भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पी टू और पी थ्री भी मेरा सेम रहेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं इसको, आगे और एक्सप्लेन करता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं हम लोग। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन। तो हीट एब्जॉर्ब हमने निकाला था, बस वैल्यू पुट अप करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देंगे सबकी। तो सी पी सी पी सी पी ये हो गया कैंसल, ओके। सी पी सी पी सी पी कैंसल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? टी वन माइनस टी फोर अपॉन टी टू माइनस टी थ्री माइनस टी वन माइनस टी फोर, ओके। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, जो आपका न्यूमरेटर है, आपका जो न्यूमरेटर है उसको क्या कर लिया मैं, डिनोमिनेटर में लेके आया, मतलब अपॉन टी वन माइनस टी फोर कर दिया, ठीक है। तो प्रोसेस वन टू टू, प्रोसेस वन से लेकर टू क्या है? आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू बाई पी वन रेस्ट टू पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। ये क्या पढ़ा है आपने? थर्मल में पढ़ा है। वैसे ही थ्री टू फोर के लिए भी मैं प्रोसेस के लिए बोल सकता हूँ कि टी थ्री अपॉन टी फोर इक्वल टू पी थ्री अपॉन पी फोर गामा माइनस वन अपॉन गामा। ये देखो ना, टू टू वन और थ्री टू फोर ये दोनों भी प्रोसेस क्या है? आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस है, और आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आपने ये फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या बोल सकता हूँ? अभी मैंने आपको बताया था क्या कि P2 का मतलब मैं P3 बोल सकता हूँ और P1 का मतलब मैं P4 बोल सकता हूँ। तो क्या मैं इस P2 के जगह पर P3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। P2 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे P3, और P1 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ P4। P1 के जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P4। रेस्ट टू पावर तो सेम ही रहेगा, गामा माइनस वन अपॉन गामा। मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है? सेम। तो क्या मेरे राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो देखते हैं, पी टू और पी थ्री और वन फोर क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। तो पी टू इक्वल टू पी थ्री, पी फोर इक्वल टू पी वन, ये मैंने बता दिया। तो इक्वेशन वन से क्या हो जाएगा कि दोनों भी टेम्परेचर्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। दोनों भी टेम्परेचर सेम हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि टी थ्री अपॉन, इसको इधर लेके आया, टी थ्री अपॉन टी टू और टी फोर अपॉन टी वन, ठीक है। तो अब हमने जो सी ओ पी का फॉर्मूला बनाया था, सी ओ पी का फार्मूला क्या बनाया था? ये बनाया था, है ना। ये देखिए, आपको फिर से बताता हूँ, ये देखिए सी ओ पी का ये फार्मूला बनाया था। तो ये टी वन माइनस टी फोर इसके नीचे आ जाएगा, इसके भी नीचे टी वन माइनस टी फोर आ जाएगा, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा, टी टू माइनस टी थ्री अपॉन टी वन माइनस टी फोर माइनस वन, है कि नहीं, समझ में आ गया। अब यहाँ से मैं टी टू को और टी वन को बाहर निकाल लेता हूँ, तो टी टू को और टी वन को बाहर निकाल लिया, तो वन माइनस टी थ्री बाई टी टू टी फोर बाई टी वन रह गया। और मैंने अभी यहाँ पर आपको एक बना के दिखाया कि टी थ्री अपॉन टी टू इक्वल टू टी फोर अपॉन टी वन, मतलब ये दोनों भी क्या है? सेम है। तो टी टू बाई टी वन माइनस वन, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा? टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ठीक है। तो T1 को मैं नीचे लेके आता हूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा, 1 अपॉन T2 माइनस T1 माइनस 1। तो T2 माइनस T1 को मैं क्या बोल सकता हूँ? RP रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये रहा आपका COP का फॉर्मूला, ठीक है। T2 बाई T1 का मतलब क्या था? आपका प्रेशर का रेशियो था ना, आपने जो पहले देखा था प्रेशर का रेशियो, टी टू बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई पी वन, और पी टू बाई पी वन इज नथिंग बट आपका प्रेशर रेशियो, ठीक है। देखो आर पी इज नथिंग बट प्रेशर रेशियो। और ये याद रखिएगा कि कार्नोट की सी ओ पी हमेशा मैक्सिमम रहेंगे, किससे रहेगी? बेल कोलमैन साइकिल से, ठीक है। सो एडवांटेजेस ऑफ बेल कोलमैन साइकिल, क्या एडवांटेजेस रहेंगे कि हम, सबसे पहला एडवांटेज मैंने आपको क्या बोला था कि रेफ्रिजरेंट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? एयर यूज़ कर रहे हैं। तो एयर यूज़ कर रहे, इसका मतलब ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और हमेशा अवेलेबल रहेगा। दूसरा क्या बोल सकता है? देयर इज नो डेंजर ऑफ फायर और टॉक्सिक इफेक्ट ड्यू टू द लीकेज। फायर नहीं लगेगा, टॉक्सिक इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है? द वेट ऑफ रेफ्रिजरेटर सिस्टम पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज लेस एज कम्पेयर टू अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मतलब इसके ऊपर जो ज़्यादा एक्स्ट्रा का लोड लग रहा है
वो यहाँ पर नहीं लगने वाला है। जो बाकी के आपने साइकिल्स पढ़ेंगे आगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लोड लगता है, लेकिन यहाँ पर इसका लोड नहीं लगता उतना, क्योंकि आपके कंपोनेंट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इफ हाई स्पीड रोटरी कंप्रेसर एंड एक्सपांडर आर यूज, सच सिस्टम इज़ इकोनॉमिकली यूज एज अ एयरक्राफ्ट वेयर लार्ज कंप्रेसर इज ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, हाई स्पीड रोटरी कंप्रेसर और एक्सपांडर को अगर आप यूज़ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, किसके लिए, एयरक्राफ्ट के लिए भी। ठीक है, लेकिन इस सभी एडवांटेजेस के बावजूद इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और डिसएडवांटेज क्या है इसके, द क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड इज़ ग्रेटर देन अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान चाहिए था, जिसमें भी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी लग रही है एयर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा लगती है यहाँ पर बाकी के रेफ्रिजरेशन सिस्टम के वजह के कंपेयर में। ठीक है, दूसरा क्या है, इसकी जो COP है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब इतनी ज़्यादा कम रहेगी बाकी साइकिल्स के चक्कर में कि आप लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही पुराने ज़माने की साइकिल है ये, आजकल इसका यूज़ नहीं किया जाता है। पहले इसको यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो मीट वगैरह है उनको शिप से ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस साइकिल का यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, बट एज अ बेसिक आपको ये समझ में आना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या है, द डेंजर ऑफ फ्रोस्टिंग एट द एक्सपांडर वॉल इज़ मोर एज एटमोस्फेरिक एयर इज टेकन इन टू द सिस्टम ऑलवेज कंटेन वाटर वेपर, दिस डिफिकल्टी इज रिमूव यूजिंग द क्लोज सिस्टम इंस्टेड ऑफ ओपन सिस्टम। जैसा कि वो मैंने आपको बताया था कि एक्सपांडर के बाद में क्या हो रही थी, आपकी जो एयर है वो क्या हो रही थी, फ्रॉस्ट हो जा रही थी, मतलब जम जा रही थी, बर्फ़ जैसे बन रही थी। तो ये सारी जो डिफ़िकल्टी थी इसको क्या हमने रिमूव किया, किससे, क्लोज सिस्टम का यूज़ करके। ठीक है, आई होप सभी को ये समझ में आया होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ बेल कोलमैन साइकिल, बेल कोलमैन साइकिल, उसकी PVTS डायग्राम, COP कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो यूनिट आउटकम्स क्या अचीव हुए, हम डिस्क्राइब कर पाए बेल कोलमैन साइकिल को, रिव्यूज ऑफ टू डेज लेक्चर, वी डिस्क्राइब PV and TS डायग्राम ऑफ बेल कोलमैन साइकिल, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द COP ऑफ बेल कोलमैन साइकिल, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। सो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस क्या है, एक ही क्वेश्चन दिया है, शो बेल कोलमैन साइकिल ऑन PVTS डायग्राम शोइंग डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस एंड नेम द इक्विपमेंट यूज फॉर ईच प्रोसेस। यहाँ पर आपको क्या करना है कि बेल कोलमैन साइकिल बनाना है, उसकी PV और TS डायग्राम बताना है, उनके चारों भी प्रोसेसेस के नाम लिखने हैं, और कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वो भी लिखना है। ऑल्सो स्टेट COP फॉर द रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पर COP का इक्वेशन भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा वीडियो क्या हो गया, कवर हो गया, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन बेल कोलमैन साइकिल। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।